हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कुछ गेमिंग न्यूज। तो आज संडे है एंड गेमिंग न्यूज वाला डे है, तो शुरू करते हैं अपने मोबाइल गेमिंग न्यूज की। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज आ रही है पबजी मोबाइल की तरफ से, काफी न्यूज है बेसिकली पबजी मोबाइल से रिलेटेड। तो पबजी मोबाइल ने अचीव कर लिया है यहाँ पे 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स, वो भी पबजी मोबाइल पे, जो की बहुत बड़ा माइल स्टोन है पबजी मोबाइल के लिए। तो गेम काफी ज्यादा हिट जा रहा है, काफी वायरल है हमारे इंडिया से एंड एशियन कंट्रीज में काफी ज्यादा खेला जा रहा है पबजी मोबाइल। तो ये सबसे पहले न्यूज थी। सेकंड न्यूज आ रही है पबजी मोबाइल से रिलेटेड, वो ये है कि पबजी मोबाइल के अंदर आप सबको मालूम है कि नया अपडेट आया 12.5 का, और सीजन 7 के अंदर जो है उन्होंने जो इनका कंपेनियन था वो ऐड कर दिया है। पर सारे लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से इसको अनलॉक करना है, कैसे करना है। तो इसको बेसिकली ढूंढने के काफी तरीके हैं। गेम वालों ने क्या किया है कि कुछ ऐसे प्लेसेस डाले हैं जहां पे आपको जाकर के विजिट करना है, वहां पे आपको एक्स मिलेंगे, एक्स को आपको हैच करना है और उसके बाद अपना आप कंपेनियन वहां से अनलॉक कर सकते हो। तो ये सारे लोगों को नहीं पता है, तो ये एक बेसिकली टास्क है कि आप लोगों को खुद ढूंढना है और खुद इसको अनलॉक करना है। और ये सिर्फ आपको दिखेगा, आपके टीममेट्स को दिखेगा, एनिमी प्लेयर्स को नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब पे काफी ऐसे वीडियोस आ गए हैं कि कहां कहां पे लोकेशंस है मैप के अंदर, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कंपेनियन किस तरीके से अनलॉक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो सेकंड न्यूज आ रही है वो आ रही है पबजी मोबाइल के कोलैबोरेशन को लेकर के, वो भी गॉडजिला किंग्स ऑफ मॉन्स्टर के साथ। तो पबजी मोबाइल का यहां पर कोलैबोरेशन हुआ है गॉडजिला के साथ एंड गेम के अंदर उसके टी शर्ट्स एंड जो गॉडजिला 2 मूवी आ रही है उसके विलन्स के जो है मार्क वगैरह आ रहे हैं, हर मैप्स में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोकेशन जानना चाह रहे हो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी वीडियोस हैं, आप जाकर के देख सकते हो। तो काफी बड़ा कोलैब है पबजी मोबाइल के लिए। तो लास्ट बड़ा कोलैब जो था वो रेजिडेंट ईविल 2 गेम के साथ था, और आई होप कि इसी तरीके से फ्यूचर में और भी बड़े बड़े कोलैब्स होते रहे पबजी मोबाइल के साथ। तो अगली न्यूज आ रही है पबजी मोबाइल की तरफ से, वो ये कि जो पबजी मोबाइल का रिप्लेसमेंट आया था चाइना में पबजी मोबाइल गेम फॉर पीस नाम से, तो उस गेम ने 72 घंटे में तकरीबन $14 मिलियन जो है वो कमा लिए थे। तो समझ सकते हो कि कितना जल्दी इसने मतलब सिर्फ 3 दिन के अंदर इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो ये फिगर्स जो मैं बता रहा हूँ ये iOS वर्जन के, एंड्रॉइड वर्जन के नहीं है। तो एंड्रॉइड वर्जन का अगर आप इसमें जोड़ोगे तो ये फिगर्स और भी बढ़ जाएंगे। तो नए गेम में थोड़े से मॉडिफिकेशन करके चाइना में दोबारा से गेम को रिलॉन्च किया एंड काफी ज्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एंड आई होप कि जो हमारा ग्लोबल वर्जन है वो भी रिप्लेस किया जाए इस नए वाले वर्जन से। हालांकि कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट थोड़े बहुत लॉबी वगैरह थोड़े से चेंजेस है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल यहाँ पे जब से आया तब से थोड़ा सा तहलका मचा हुआ है, हालांकि उतना भी नहीं बट फिर भी। तो ये गेम आया तो है पर किश्तों में आ रहा है, तो अभी फिलहाल इसका क्लोज बीटा टेस्ट चल रहा है और जिन लोगों ने प्री रजिस्टर किया था तो आधे लोगों को मिला है ये गेम डाउनलोड करने के लिए, आधे लोगों को नहीं मिला है। मैंने किया था प्री रजिस्टर, मेरे को कुछ नहीं आया, मेरे दोस्तों का आया, पता नहीं कैसे क्या चल रहा है। तो सीओडी मोबाइल का कहना यह है कि अभी क्लोज बीटा टेस्ट में है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो इस गेम के अंदर जो है कुछ नए अपडेट्स आने वाले हैं एंड जो सर्वर मेंटेनेंस गया है मेरे ख्याल से गेम का, एंड उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें बैटल रॉयल मोड को जो है ऐड किया जाएगा, आप बीटा टेस्ट में बैटल रॉयल मोड को भी खेल पाएंगे और कुछ नए चेंजेस किए जाएंगे इसके अंदर। और एक र्यूमर ये भी है कि जो लोग बीटा वर्जन खेल रहे हैं कहा जा रहा है कि उनको इसका बैटल पास जो है वो फ्री मिलेगा जब ये ग्लोबल लॉन्च हो जाएगा। आई डोंट नो कि ये कितना सच है या झूठ है, ये जस्ट र्यूमर है तो भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ये बस सुनी सुनाई बातें हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट लीक आ रही है इससे रिलेटेड वो ये है कि कहा जा रहा है कि ये गेम ग्लोबल बीटा वर्जन को जुलाई के लास्ट में जाएगा और अगस्त में ये फुल्ली लॉन्च होगा। तो आई डोंट नो ये कितना सही है या गलत है, ये र्यूमर है एंड मुझे नहीं लगता इतना लंबा खिंचेगा ये। अगर बीटा आ गया तो मेरे ख्याल से जल्दी आ जाना चाहिए, बट ये क्लोज्ड बीटा है, ग्लोबल बीटा अभी आना अच्छे से बाकी है क्योंकि सारी कंट्रीज में नहीं आया, कंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल बीटा जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते कि ये ग्लोबल लॉन्च होगा इसका अच्छे से, बट देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। पर सीओडी मोबाइल यहाँ पे काफी वेट करा रहा है एंड काफी प्लेयर्स जो है नाराज भी हैं इससे। तो अगली न्यूज आ रही है फार्म पंक गेम की तरफ से। तो फार्म पंक गेम एक फार्म गेम है और ये गेम आ रहा है नूडल केक की तरफ से। तो इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, तो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं काफी टाइम पास सा फन वाला गेम है, तो प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप इस गेम के लिए। तो दोस्तों ये होगी मोबाइल गेमिंग न्यूज की बात, अब हम बात कर लेते हैं पीसी गेमिंग की। तो सबसे पहले न्यूज तो यहाँ पे फोर्टनाइट की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे फोर्टनाइट को कोलैबोरेशन हुआ है जॉन विक के साथ। तो फोर्टनाइट के गेम में जॉन विक का एक नया टाइम लिमिटेड मोड जो है वो डाला है और विक बाउंटी नाम से है। इस मोड में बेसिकली आप लोगों को बस सामने वाले प्लेयर को मारना है, उसके पास कुछ गोल्ड कॉइंस है और वो कॉइंस आपको कलेक्ट करने हैं। तो ये पूरा
मोड का सीन है, गेम प्ले आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। सो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है रेस 2 गेम की तरफ से। तो रेस 2 यहाँ पे जीरो डे पे ही क्रैक हो गई है, ये गेम क्रैक हो गई है। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हो, आपको कहीं से मिलता है तो आप जाके कर सकते हो। गेम क्रैक्ड हो चुकी है और इसकी वजह से काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है डेनोवो को, क्योंकि उसके गेम जो है काफी ज्यादा जल्दी ही जल्दी क्रैक हो जा रहे हैं। तो ये दूसरा गेम है इनका और ये जीरो डे पे क्रैक हो गया है, तो बहुत बड़ा झटका लगा है यहाँ पे डेनोवो को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है रॉकेट अरीना गेम की तरफ से। तो रॉकेट अरीना गेम एक नया गेम आ रहा है, ये 3v3 FPS गेम होने वाला है। इसका ट्रेलर आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। इस गेम को आप समझ लो कि ओवरवॉच का कॉम्बिनेशन प्लस फोर्टनाइट का कॉम्बिनेशन प्लस सनसेट ओवरड्राइव का, तो तीनों को मिला करके काइंड ऑफ ऐसा कुछ मैशअप बनाया है इन लोगों ने। तो बेसिकली इस गेम में कोई मरता नहीं है, आपको बस अरीना से नॉक करना है प्लेयर को, इस तरीके से गेम वर्क करता है। तो ऐसा कुछ गेम का कॉन्सेप्ट है और ये गेम जो है बीटा में जाने वाला है May 23 से। तो PC बीटा आपको जो है May 23 के बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बीटा के लिए साइन अप वगैरह कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है डॉन्टलेस गेम की तरफ से। तो डॉन्टलेस गेम जो है वो अगले हफ्ते पूरी तरीके से रिलीज होने वाला है, May 21 को ये गेम रिलीज हो जाएगा। तो डॉन्टलेस गेम तकरीबन गेम है मॉन्स्टर हंटर जैसा, एक कोऑप एक्शन गेम है एंड ट्रेलर आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। ये गेम आपको स्टीम पे देखने को नहीं मिलेगा, ये गेम आपको एपिक गेम स्टोर पे देखने को मिलेगा लाइक बाकी गेमों की तरह, क्योंकि एपिक स्टोर ने तो सारे के सारे गेम अपने पास ही रख लिया एक टाइप से। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है स्टीप गेम की तरफ से। तो स्टीप गेम जो है वो फ्री हो गया है यूप्ले पे और ये गेम फ्री रहने वाला है 21 मई तक। तो स्टीप एक ओपन वर्ल्ड विंटर स्पोर्ट्स गेम है एंड आई होप आप लोग इसको जरूर लाइक करोगे। तो ट्रेलर आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। तो ओपन वर्ल्ड में आपको स्की वगैरह करना है या घूमना है फिरना है, जो भी है तमाम चीजें आप जो है इस गेम के अंदर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आ रही है यूबीसॉफ्ट की तरफ से। तो यूबीसॉफ्ट का एक गेम आने वाला था अगर आपको याद होगा स्कल एंड बोन्स, तो ये गेम हो गया है डिलेड और ये E3 में नहीं देखने को मिलेगा हमें इस साल। तो ये गेम ओपन वर्ल्ड पायरेट गेम होने वाला था और इसका आइडिया जनरेट हुआ था असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग की बात से, क्योंकि ब्लैक फ्लैग का जो पायरेट वाला गेम था वो आइडिया काफी पसंद आया था लोगों को एंड डेवलपर्स ने इसका 2017 के E3 में इसका ट्रेलर भी दिखाया, पर उसके बाद से हमें कोई न्यूज नहीं मिली और अभी हमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि ये गेम डिले हो गया है और इस साल E3 में इसका कुछ भी नहीं आने वाला, ये हमको 2020 के बाद देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है घोस्ट बस्टर गेम की तरफ से। तो घोस्ट बस्टर का सबसे बेस्ट गेम जो 2009 में आया था द वीडियो गेम, कहा जा रहा है कि उसका एक रीमास्टर होने वाला है और ये लीक निकल के आ रही है ताइवानीज रेटिंग बोर्ड की तरफ से। तो उनका कहना ये है कि इस गेम का एक रीमास्टर चल रहा है और ये रीमास्टर कब आएगा नहीं आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो पब्लिशर है मैड डॉग गेम वो इसको पब्लिश करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस गेम का कब रीमास्टर आता है एंड आई होप कि अगर इसका रीमास्टर आएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि घोस्ट बस्टर का सबसे बेस्ट गेम यही गेम है लेकिन काफी पुराना हो चुका है, ग्राफिक काफी आउटडेटेड हो चुके हैं और ये गेम अब डीलिस्टेड भी हो चुका है स्टीम से। तो देखते हैं अगर रीमास्टर आता है तो वो कैसा आता है एंड जो भी आएगा काफी अच्छा होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है एंसेस्टर गेम की तरफ से। तो एंसेस्टर गेम एक प्री हिस्टोरिक गेम है जो कि आपको एपिक स्टोर पे देखने को मिलने वाला है और स्टीम पे ये गेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस गेम को भी एपिक स्टोर ने अपने पास ले लिया है और कमाल की बात यह है कि ये गेम तकरीबन एक साल तक एक्सक्लूसिव रहेगा एपिक स्टोर पे और एक साल के बाद ये आपको स्टीम पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप गेम को सर्च करोगे स्टीम पे तो ये आपको लिस्टेड तो मिलेगा पर आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तकरीबन एक साल बाद स्टीम पे ये आएगा। तो यहाँ पे पता नहीं एपिक स्टोर क्या कर रही है, पर जो भी कर रही है आई थिंक डेवलपर्स जो है वो सारे के सारे मूव करते जा रहे हैं स्टीम से। सो चलते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे टीम अप कर लिया है इन लोगों ने एंड ये लोग एक नया स्ट्रीमिंग सर्विस जो है वो बनाने वाले हैं, क्लाउड स्ट्रीमिंग सर्विस समझ लो। इस कोलैबोरेशन के तहत ये एक नया AI टेक एंड एक नया क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप करेंगे। आई डोंट नो वो कैसा होगा नहीं होगा, मैंने इससे पहले कोई भी क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कोई इतना सक्सेसफुल रहा है, पर देखते हैं सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट क्या लेकर आते हैं, ये काफी बड़े टेक जायंट्स हैं, सो देखते हैं क्या करते हैं ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है बैटलफील्ड 5 के फायरस्टॉर्म की तरफ से। तो आप सबको मालूम है कि इस साल बैटलफील्ड 5 का बैटल रॉयल गेम आया था जिसका नाम था फायरस्टॉर्म। तो अब इस गेम के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स को मैचेस नहीं मिल रहे खेलने के लिए, क्योंकि वहां पे पिंग काफी ज्यादा हाई आ रही है एंड काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम लग रहा है मैचेस मिलने में। तो डेवलपर्स का कहना ये है कि उस एरिया में जो है प्लेयर्स की पॉपुलेशन कम है, क्योंकि एक टाइम पे बंदे चाहिए होते हैं, एक सर्टेन अमाउंट प्लेयर्स चाहिए होते हैं खेलने के लिए जो कि नहीं हो पाते हैं, एंड अगर वो नहीं हो पाते हैं तो दूसरे एरियाज में जो है वहां पे उनकी मैचिंग की जाती है जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और
की वजह से गेम में जो है प्लेयर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया में। एंड आई गेस फायरस्टॉर्म उतना ज्यादा चला नहीं है तो प्लेयर्स की पॉपुलेशन भी नहीं है, प्लेयर्स की पॉपुलेशन नहीं होगी तो मैच मेकिंग में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, और साथ में हाई पिंग का इशू आ रहा है तो मेरे ख्याल से एक नया सर्वर बनाने में मुझे नहीं लगता ईओ को कोई प्रॉब्लम होगी, इतनी बड़ी टेक जाइंट है तो। सो दैट्स इट दोस्तों, यही थी आज की गेमिंग न्यूज। आई होप आपको ये संडे गेमिंग न्यूज आपको पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।